तो दोस्तों मिल ही गया अपडेट। Xiaomi भेदभाव बिल्कुल नहीं रखता, चाहे अपडेट 2 GB की हो चाहे 200 MB की, सबको एक ही फीचर देता है। वो कौन सा भाई? अपडेटेड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो यार थोड़ा सा मजाक किया है, प्लीज बुरा मत मानिएगा। तो दोस्तों आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है Xiaomi के डिवाइसेस में। अगर आपको 2 GB की अपडेट मिलती है, 1.5 1.7 GB की अपडेट मिलती है या 173 MB की अपडेट मिलती है, उसमें से सिक्योरिटी पैच लेवल ही नया देखने को मिलता है। और यार आज हम बात करने वाले हैं पोको X2 की नई अपडेट MIUI 11.0.11.0 के बारे में। यार एक छोटा सा रिव्यू लेकर आपके सामने आए हैं कि पबजी कैसे परफॉर्म कर रही है, बैटरी लाइफ कैसी है और फोन की परफॉर्मेंस कैसी है इस अपडेट के बाद। तो यार ज्यादा देर नहीं करते, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है पोको X2 MIUI 11.0.11.0। इसमें हमें एंड्रॉयड 10 की ही सपोर्ट देखने को मिलती है और यहाँ पर व्हाट्स न्यू में हमें कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ जो है वो सिक्योरिटी पैच लेवल जून का कर दिया गया है। तो बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो यार मेरे को परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी इस अपडेट के बाद। तो यहाँ पर मैं आपको Geekbench दिखा देता हूँ, मैंने अभी अभी जो है वो टेस्ट रन किया था। तो यहाँ पर 546 जो है वो सिंगल कोर एंड मल्टी कोर जो है वो 1663 मेरे को देखने को मिला। मेरे हिसाब से दोस्तों परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने 120 Hz पे इसे जो है आज चलाया है, तो यार मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक रही। तो यहाँ पर अगर हम फिंगरप्रिंट की भी बात करें तो यार काफ़ी अच्छा फिंगरप्रिंट यहाँ पर जो है स्पीड है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो फेस अनलॉक है वो भी काफ़ी फास्ट है, तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो यार अगर हम बात करें यहाँ पर कैमराज की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैमराज यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने जो है वो एक पिक्चर ली, यहाँ पर वीडियो ली थी, सॉरी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये 60 FPS पे मैंने ली थी। तो यार मेरे को जो है वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको तो यहाँ पर 60 FPS है, तो 60 FPS है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो आपको स्टेबलाइजेशन की जो है वो ज़्यादा नहीं मिलती है, पर फिर भी यार मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो है वीडियो आई है। यहाँ पर डायनामिक रेंज और सब कुछ जो है मेरे को ठीक ठाक लगा, फोकस भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है, तो यार वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो बात करें यहाँ पर मैंने एक दो सैंपल भी लिए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोर्ट्रेट, ये जो है मैंने एक नॉर्मल पिक्चर ली थी तो ये काफ़ी अच्छी आई है, और यहाँ पर मैंने एक पोर्ट्रेट शॉट लिया था तो ये भी काफ़ी अच्छा आया है। कैमरे में दोस्तों कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सब वैसे का वैसा ही है, पर यार मेरे हिसाब से कैमरे की परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक है, कम नहीं की गई है, यानी कि डाउनग्रेड नहीं की गई है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पबजी के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको पबजी दिखा देता हूँ, तो यार थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है पबजी को जो है वो गेम प्ले होते होते, मैं फास्ट फॉरवर्ड बीच बीच में करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है वो जो नई अपडेट आई है उसे अपडेट किया हुआ है। तो यार यहाँ पर ये जो पबजी है इसमें आपको जो ग्राफिक है, एंटर द मैच अगेन नो कैंसिल, तो यहाँ पर जो है मैं पहले टेस्ट कर रहा था, तो यहाँ पर आपको बैलेंस्ड मिल जाता है, अल्ट्रा एंड स्मूथ मिल जाता है, अल्ट्रा और HD में हाई मिल जाता है। तो मैं तो स्मूथ एंड अल्ट्रा में ही खेलता हूँ जब भी, क्योंकि काफ़ी मज़ा आता है स्मूथ में खेलने में। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड अप कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है गेम प्ले जो है स्टार्ट होते होते। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पर फ्रेम रेट भी काफ़ी ठीक ठाक है और यहाँ पर आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलेगी। जब आप जंप करके नीचे भी जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यार चल जा यार क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यार गेम प्ले जो है वो काफ़ी स्मूथ है और आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिलेगी। अरे उधर जाना यार, पानी में क्यों जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी फ्रेम ड्रॉप यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर अभी लैंड हुए हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी लैग यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम प्ले ठीक ठाक है, स्मूथ में है, थोड़ी सी जटरी है एक्सट्रीम में तो काफ़ी अच्छी होती है, पर फिर भी यार परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से ठीक है, बैटरी भी काफ़ी गिरी हुई है मेरे डिवाइस की,
15% के करीब है, तो उस हिसाब से यार फ़ोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मेरे हिसाब से। तो थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि गेम के प्ले कैसा है। तो वो एक कौन आ गया, ये केड़ा आ गया, कोई हैगा? ओ तेरी, ओ किथे है, ओ तेरी नजर तो आ, ओ आ देख, आई आई आ, मार 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 मार, आ ला फड़ जा रहा ही, बस की होया? ओ या सॉरी भाई लोग, मैं थोड़ा सा पंजाबी बोल गया। तो यहाँ पर यार मेरे हिसाब से गेम प्ले जो है वो काफ़ी अच्छी है, मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गेम प्ले ठीक ठाक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि काफ़ी छोटी सी अपडेट थी, तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटरी के बारे में। तो मैंने जो है आज लगभग जो है मैंने 100% चार्ज किया था मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर मैं आपको बैटरी की जो है परफॉर्मेंस वीडियो टूल बॉक्स मिला हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम किधर गया, बैटरी में जाते हैं तो स्टैट्स में जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने जो है वो 98% कुछ ऐसा चार्ज किया था। मेरे को काम पे जाना था तो उतारना पड़ा फ़ोन चार्जिंग से। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 hours and something जो है मेरे को यूसेज टाइम मिला है, और यहाँ पर 5 hours अभी भी रिमेनिंग है, पर पता नहीं 15% जो है मेरी बैटरी अभी भी बाकी है। स्क्रीन ऑन टाइम में जाते हैं तो मेरे को 8 hours and 40 minutes जो है वो यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो अपनी जो है वो रखी है ब्राइटनेस मैं काफ़ी कम रखता हूँ क्योंकि बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी मिलती है। पबजी जो है वो मैंने आज आप देख सकते हैं 50 मिनट्स खेली है, तो मेरे हिसाब से अगर आप 20 मिनट्स का एक गेम लगाएंगे तो आपकी जो है वो 4% बैटरी यहाँ पर ड्रेन होगी, यहाँ पर ऐसा जो है मैंने नोटिस किया है। तो ये सारी एप्लीकेशन जो है मैंने आज यूज़ की हैं, तो मेरे हिसाब से यार बैटरी मेरे को ठीक ठाक लगी। आप ब्राइटनेस कम रखेंगे तो आपको जो है बैटरी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो यार ये सारी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर, मेरे हिसाब से अपडेट काफ़ी अच्छी है, आपको कर लेनी चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं की है। तो यार आज के लिए बस इतना ही।